जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश साफसाना, खामोश साफसाना, खामोश सा तुम हो। सॉरी, चढ़ा दो मेरे ऊपर, मार दो मुझे। बस सॉरी यार, सॉरी व्हाट सॉरी? अब तुम अचानक से सामने आ गई तो मैं क्या करूं? सॉरी यार। एक बात बताओ, तुमने एक बात नोट करी? अभी कुछ देर पहले ही हम मिले थे और तुमने कहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे। लो, फिर मिल गए। हाँ यार, लेकिन ऐसा हो कैसे रहा? क्यों हो रहा ये सब? कह रहा मैंने लिखा है तो अब करो। तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो? यहीं तो रहता हूँ मैं। अच्छा, यहीं रहते हो तुम? हाँ, यहाँ से आगे जाकर। बट डोंट वरी, तुम्हारे घर से नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन कहाँ से आ रही? क्या हुआ, क्या तुम्हें क्या हुआ अभी? छोड़ो ना यार, ऑलरेडी मेरा मूड इतना खराब है। ये ना, अमीरों के बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं। दे आर लाइक दैट ओनली, और जिनके पास पैसा होता है ना, उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम होता ही नहीं, कुछ भी कर लो। अब हमने क्या एटीट्यूड दिखाया आपको? तुमने भी दिखाया। तुम कितना झगड़ते थे मुझसे? मैं झगड़ता था? हाँ, एक सीधा साधा आदमी अपने ऑफिस के काम से जा रहा है और कोई लड़की रंगीन पानी उसके ऊपर फेंकती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि वो नाराज भी ना हो। हाँ मैडम, दोस्ती का पहला हाथ भी यहीं से आया था। तो मैंने तो सॉरी बोला था, है ना? और अगर अभी बोलोगे तो मैं कान पकड़ के भी सॉरी बोल सकती हूँ। तो बोलो। हाँ बोल दो। ये लो, कान पकड़ लिए, माफ कर दो। सॉरी नहीं बोला। अच्छा सॉरी। एक बात और, कि तुम बाकी अमीरों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। अभी अमीर गरीब के बारे में बात करना बंद करो, क्योंकि दोस्त दोस्त होते हैं, अमीर गरीब नहीं होते। करेक्ट करेक्ट। आओ, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कॉफी पिलाता हूँ। ओके। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग बेटा। बैठो बैठो बैठो। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? डैड, आज का दिन बहुत अच्छा रहा जी। और आपके लिए खुशखबरी भी है। क्या? वो गोयल ने पैसे दे दिए। सच? जी, कैश पैसे दिए हैं, मैंने अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने। अरे भाई, अपने भाई को भी तो बताओ ना, हैं कैसे डील की जाती है। दे दिए ना तुम्हें गोयल ने पैसे? डैड, वो पैसे अर्जुन ही लाया है। क्या? जी डैड, अर्जुन लाया? हाँ। अरे वाह, अर्जुन ने तो कमाल ही कर दिया। जो क्लाइंट पैसे नहीं देने के लिए इतने दिन से परेशान कर रहा था, उससे भी पैसे निकलवा लाए। क्यों, बताइए ना पापा को, कैसे निकलवाया पैसे अर्जुन ने? आखिर उन्हें तो पता चले जिस बेटे को ये नालायक समझते हो कितना लायक है। जी ओ, क्या है अन्नू, मेरी मर्जी हो ना हो, तुम महंगे हीरे के हार और शॉपिंग करके मेरी जेब जो ढीली करती रहती हो। वैसे ही गोयल भी पैसे देने के मूड में ही था, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन पैसे निकलवा लाया ना, क्यों? एक बात कहूं बेटा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वाकई कमाल है। सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाती हैं। मैं जा रही हूँ खाना लगो। हाँ। कर दिया ना नाराज उसको, तो तेरी आदत कभी नहीं जाएगी है। मजाक उड़ाता रहता, कितना ध्यान रखती हो तेरा। सॉरी डैड। वानी। अरे सिद्धार्थ, तुम आओ ना। क्या है? तुम जानते हो सिद्धार्थ कि ये कोर्स मैं नहीं कर सकती।
फिर इसका मतलब क्या है? क्या है? देखो, स्कॉलरशिप फॉर्म, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। स्कॉलरशिप फॉर्म वो भी उसी इंस्टीट्यूट का, यानी मेरे पास चांस है। चांस? अगर अगर तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया ना तो जयपुर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पूरा कोर्स एकदम फ्री। I can't believe this. मैं कितनी खुश हूँ ना सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। ये फॉर्म, एटलीस्ट अब मुझे ये तो पता है कि मेहनत करूंगी तो एडमिशन में मिल जाएगा। चांसेस है मेरे पास। चांसेस? मुझे पता है तुम्हारा एडमिशन जरूर होगा, और पूरा भरोसा मुझे तुम पे, तुम ये एग्जाम जरूर क्लियर करोगी, है ना? अच्छा माली, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, चाय बना के लाती, बैठो बातें करते। नहीं नहीं, चाय नहीं, मैं बहुत बहुत सुबह से निकला हुआ हूँ और घर में बता के भी नहीं आया हूँ, और तुम तो माँ को जानती हो ना, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे होगा इससे पहले कि बूम विस्फोट हो। मैं जाता हूँ। तुम्हारी माँ भी ना तुम्हारी माँ ही है, सोनम को हाय बोलना। ओके बाय। मैं जा रही हूँ एग्जाम के लिए, देर हो रही है। हाँ? ए, 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 बेटिया पाँव नहीं छूती है। जाओ। एग्जाम अच्छा दूँ, बहुत अच्छा दूँगी। बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी लीजिए, देर हो रही है मुझे, एग्जाम मिस हो जाएगा। थोड़ा तेज चलाइए ना।
वाणी वाणी क्या हुआ? हाँ ठीक हो तुम? कहाँ ठीक हो, खून निकल रहा है तुम्हारे सर से। गाड़ी पास में ही है, चल सकोगी? पक्का? वाणी हो रही है ना तुम्हें? जानते हो जो, लोगों के सामने तो मैं ऐसे ही बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। तुम्हें देखा ना, तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे अब कोई डर नहीं है। चले सलाम सुन। चले अर्जुन, तुम मुझे प्लीज जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग पे छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद। नहीं नहीं अर्जुन, मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा। प्लीज मुझे अभी वहीं जाना है। वाणी तुम पागल हो क्या? तुम्हारे सर पे चोट लगी है यार, खून निकल रहा है, तुम्हें एग्जाम देने की पड़ी है। एग्जाम देने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना, ठीक है? पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, ड्रेसिंग कराएंगे, फिर चलेंगे एग्जाम देने। नहीं अर्जुन, अर्जुन मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज अर्जुन मुझे वहां छोड़ दो। वाणी ये स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा शायद तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मैं पढ़ सकती हूँ और यहाँ से पढ़ के निकलूंगी, बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी मुझे। मेरे माँ बाप इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? और मैं उनका बोझ नहीं बढ़ाना चाहती, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज अर्जुन, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। गाड़ी को प्लेन की तरफ ऐसे उड़ाते हैं, अच्छे से जानता हूँ। नहीं होगी लेट, ओके चलो।
महेश्वरी जी, हाँ कपूर बोल रहा हूँ। अब तो आप खुश है ना? आपके मन मुताबिक मैंने प्राइस कोट कर दिया फॉर्म में जी। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो फॉर्म्स पहुंचे नहीं अभी तक। फॉर्म अब तक फॉर्म नहीं पहुंचे? लेकिन मैंने तो सोचा था कि आपने साइन कर दिए होंगे। उन्हीं फॉर्म्स का तो मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। आपने कहा था कि 11 बजे तक वो फॉर्म्स मेरे पास पहुंच जाएंगे। I'm sorry, महेश्वरी जी, मैं देखता हूँ कि आप तक फॉर्म क्यों नहीं पहुँचे। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। अब कोई फायदा नहीं कपूर साहब, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। मैंने आपसे कहा तो था मेरी फ्लाइट है। फॉर्म्स का इंतजार करते करते मैं लेट भी हो गया। अब जब मैं वापस आऊँगा तो बात करेंगे। महेश्वरी जी, काट दिया फोन। पर मुझे लेनी पड़ेगी। ओह गॉड, अब ये फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। घर आए इसकी खबर लेता हूं मैं। आराम से वाणी, आराम से, आराम से। ठीक हो? पक्का? हाँ चल पाओगी ना? हाँ चल जाऊंगी। थैंक्स अर्जुन, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरा एग्जाम मिस हो जाता। पागल हो गया? दोस्त हूँ और कोई एग्जाम मिस नहीं होगा। जाओ वाणी, बेस्ट ऑफ लक। सोनम, आज वाणी का स्कॉलरशिप का एग्जाम था ना? आज तो उसका एग्जाम था, मैं तो उसे ऑल द बेस्ट कहना ही भूल गई। तुझे फिल्मों के अलावा कुछ याद भी रहता है? आहा, जैसे खुद को बड़ा याद था। कर देते उसे ऑल द बेस्ट विश। पता नहीं यार पेपर कैसा हुआ होगा, टफ आया होगा या आसान आया होगा, लेकिन जो भी हो स्कॉलरशिप हमारी वाणी को भी मिलनी चाहिए। वो तो मिलेगी, देख लेना, मेरा मन कहता है। मन तो मेरा भी यही कहता है, लेकिन डरता भी है। तुझे पता है मैं वाणी की कितनी फिक्र करता हूँ यार। यार कितना स्ट्रगल कर रही है वो, अपने माँ बाप का कितना ध्यान रखती है, कितना ख्याल रखती है। दिन भर दौड़ती रहती है, भागती रहती है, मेहनत करती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनती लड़की नहीं देखी। मेरा तो दिल करता है कि मैं उसके सारे दुख। क्या भैया, क्या भैया, तुम्हारा बस चलता तो क्या? क्या क्या? मैं तो बस ऐसे ही, ऐसे ही सब समझती हूँ मैं, सब पता है मुझे। ए सोनम की बच्ची, मेरा दिमाग मत खराब कर, बेकार की बातें मत कर। जो तेरे सिर पे फिल्मों का भूत है ना। और तुम्हारे सर पे किसका भूत है बता दूं? सोनम की बच्ची थी तो मैं बताता हूँ, रुक।
So, अब चल सकते हैं डॉक्टर के पास। मानोगे नहीं ना तुम? नहीं। क्या खुशियां यूं खड़ी मिल जाती हैं रास्ते में, जहां उनकी बिल्कुल उम्मीद ना हो। वाणी के लिए ये सब नया था। आज तक वो अकेली ही लड़ती आई थी मुश्किलों से। आज किसी ने मुस्कुराकर हाल पूछा तो मौसम अच्छा लगने लगा। ये अपनाइयत थी, दोस्ती थी या कुछ और?